মানে অবলা প্রাণীদের উপর আক্রমণ কেন? पहले भूखे कुत्ते को दिया खाना का लालच, फिर उस पर किया जानलेवा हमला। ये घटना है गेट बाजार की। आरोप है कि नशे में धुत एक युवक को एक बेबस भूखे कुत्ते पर गुस्सा आ गया। फिर क्या था, उसने पहले कुत्ते को खाना का लालच दिया और फिर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल कुत्ता दर्द में इधर उधर भागने लगा। बाद में स्थानीय लोगों और पशु प्रेमी की नजर जब उस कुत्ते में पड़ी तो उन लोगों ने उसके इलाज की व्यवस्था की और युवक के खिलाफ एनजीपी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। गौरतलब है कि इस लॉकडाउन में कई बेबस बेजुबा जानवर भोजन की तलाश में जूझ रहे हैं। हर दिन उन्हें खाने की खोज में विभिन्न जगहों में भटकना पड़ता है। इसके चलते वो कई बार मुसीबत में पड़ जाते हैं और उनकी जान पर बनाती है। इस संदर्भ में पशु प्रेमी विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा कि आज के सकाल बेला कुकुर मारे लाठी नहीं मारे जो क्यों थके आज के सकाल बेला कुकुर की चाकू मेरे दी मेरे पेट फिर दी आर मे टोटिंग ठीक है मेरे तो टोटिंग सब कर फैमिली सपोर्ट ना थे तो आरोप क्या पैसा दीचे क्या फाँकि কিছু কাজ করতে হবে না ঠিক আছে এর জন্য এইসব বাহানা করে বেড়ায় কিন্তু এর জন্য মানে অবলা প্রাণীদের উপর আক্রমণ কেন? আমরা প্রশাসনের সাহায্য নেব দাদা, কিন্তু ওষুধপত্র দেওয়া হয়ে গেছে, হলুদ টলুদ দেওয়া হয়ে গেছে, ভাইরাস সব করেছে, হলুদ টলুদ দেওয়া হয়ে গেছে, ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে, আপাতকালীন ট্রিটমেন্ট হয়েছে, বাদবাকিগুলো পরে দেখছি দাদা।